माम साहब, आप अपनी बारी पे बात करेंगे, तशरीफ रखें प्लीज। इसी पे अपनी बारी पे करें ना, आप ही भी इसी पे करना चाहते हैं। तूल तूल ख्वाजा तूल। थैंक यू चेयरमैन साहब। सबसे पहले मैं हुमायूं साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वी बीन वर्किंग ऑन दिस वाटर कमेटी सिंस पास्ट 6 ईयर्स, और इन्होंने बड़ा अच्छा एस्पेक्ट उठाया है। जी जी, बहुत अच्छा एस्पेक्ट उठाया है। एक एक चीज को ब्रीफ किया है, बिकॉज आई शुड टेल यू वाटर इज लाइफ। दिस वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड वाटर, फूड एंड हेल्थ सिक्योरिटी। आई विल बी ब्रीफ। 2010 फ्लड्स के हम सफर रहे हैं, 2022 के फ्लड्स के हम सफर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें मॉनिटर एंड कंट्रोल करना पड़ेगा अपना वाटर सिस्टम। 2 महीने से हम इस्लामाबाद वाले परेशान थे, पूरे पाकिस्तान वाले, क्योंकि बारिश नहीं हुई है। आज जब बारिश आई है हम खुश हैं। अरियर मिस्टर हुमायूं ने कहा कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। आप 56 डिग्री वाले टेम्परेचर वाले बंदे से पूछें, 2010 में अगर तोड़ी बंद नहीं बना तोड़ा नहीं जाता तो आज हम 2022 में भी सफरर नहीं हो सकते थे। चेयरमैन साहब, इरसा एक्ट 1992, उसमें वाटर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। बलोचिस्तान जो था उसकी पॉपुलेशन उस वक्त कम थी, जो 6000 क्यूसिक से पानी 18000 क्यूसिक था। बलोचिस्तान का एक ही मेगा प्रोजेक्ट कच्ची कैनाल, जो 99 में शुरू हुआ, 2001 में 2023 आ गई, अभी तक फर्स्ट फेज कंप्लीट है, जिससे 7 लाख लोगों का घर आबाद होगा और हर घर में 10000 पर मंथ लोगों को मिलेगा। क्यों हम गने उठाएं अगर हमें पानी दिया जाए? कोयटा का वाटर टेबल आपके सामने है, चागी का वाटर टेबल आपके सामने है, कराची में टैंकर माफिया 15000 तक हमें टैंकर मिल जाता है। ये हाउस है, ये फेडरेशन है। मेरी तो अपनी दिली ख्वाहिश है हम एमएनएस का सारा पीएसटीपी बंद करें इस कंट्री के लिए। हमें हेल्थ पे काम करना चाहिए, हमें वाटर क्राइसिस पे काम करना चाहिए। एक दिन पानी नहीं होता इस्लामाबाद में लॉजेस में हम कैसे बैठे होते? चेयरमैन साहब, 2022 के फ्लड्स में 20,000 स्कूल्स सिंध में अफेक्ट हुए इस रेनफॉल की वजह से। 160 स्कूल्स जाफराबाद डिस्ट्रिक्ट में अफेक्टेड हुए। 15 जनवरी तक पानी का निकास नहीं था। पहले वो पानी डेरा बुगटी आया, फिर सोबतपुर आया जो आपने विजिट किया, वही पानी उस्ताद मोहम्मद आया, देन सैफुल्ला शाह आया, देन लाड़काना आया। वी आर द सफरर। इस इलेक्शन में हमारे पास हमारे वोटर्स नहीं थे, बिकॉज दे ऑल माइग्रेटेड। जब 8-8 महीने हमारे पास पानी नहीं होगा हम क्या करेंगे? चेयरमैन साहब, हमें वाटर मैनेजमेंट, हमारे बंध अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं। हम लोग इधर लड़ाई तो अपनी कर लेते हैं, बट हम मेजर इश्यूज पे बात ही नहीं करते। हमें अपने वाटर क्राइसिस को मैनेज करना चाहिए। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में हर दफा वही सीएम आ जाता है जिसको 6 महीने हमें बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ जाता है कि व्हाट इज इरसा एक्ट, हाउ द प्रोविंस ऑफ पंजाब विल मैनेज, हाउ द प्रोविंस ऑफ सिंध मैनेज। एक ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए जो इस चीज को हैंडल करे, बिकॉज 75% जो हमारा फार्मर है, एग्रीकल्चर बॉडी है तो सही, इरसा जी, इरसा के अलावा 75% जो हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है वो इस चीज पे डिपेंडेंट है। और हमें एज हुमायूं साहब ने कहा वाटर स्ट्रेस्ड एंड वाटर स्कार्स्ड एरियाज में हम लोग कंसिडर होते हैं। हमें चाहिए कि किस फसल से हमारा फायदा होगा। वाटर कम, अगर गन्ने की फसल में पानी ज्यादा है तो व्हाई कांट वी स्विच ऑन टू अदर कंट्रीज। हम सेनेट में बैठे होते हैं, हम आईपीयू जाते हैं, हम सीपीए जाते हैं, हमें सिर्फ एक तकरीर 3 मिनट की मिलती है ना, व्हाई कांट वी सिट एंड हमारे डेलीगेशन के पास एक एक्स्ट्रा डे होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि हम रोम करें वापस फ्लाइट पकड़ें कि दूसरे कंट्रीज ने हमारा किस तरीके से वाटर मैनेज किया है, तो व्हाई कांट वी डू दैट। सेनेट में हमारे पास पास नहीं होता कि हमारी सिर्फ रिकमेंडेशंस जाती हैं, क्यों नहीं वाटर बजट अलग रखा जाता है कि जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज है उसको किस तरीके से हम लोग मैनेज करें। चेयरमैन साहब, वंस अगेन आई वुड स्ट्रेस ऑफ दिस हाउस के जी इस मैटर को अहमियत दी जाए, और मेरी तो मर्जी है कि एमएनए सेनेटर्स के पीएसटीपी फंड बंद हो जाए और ये हम लोग फ्लश फ्लड्स डैम्स पे कंसिडर करें। थैंक यू। ऑनरेबल सेनेटर डॉक्टर ज़रकत सोहरावर्दी तैमूर, नई एनजी।